यहाँ पर आपको आगाह करें कि पीटीआई इंटरनेशनल के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का पता चल गया। अहमद वकास जंजुआ महकमा इंसदादे दहशतगर्दी की हिरासत में निकले। अहमद वकास को एटीसी में पेश कर दिया गया है। डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई इंटरनेशनल के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का पता चल चुका है। अहमद वकास महकमा इंसदादे दहशतगर्दी की हिरासत में निकले। अहमद वकास को एटीसी में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स ये हैं कि कालेदम तंजीमों से ताल्लुकात और मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अहमद वकास के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा सामने आई है। एटीसी ने अहमद वकास का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बात करते हैं असलम खोकर ने हमें ज्वाइन किया है। जी असलम खोकर, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, आज जो पीटीआई के कोऑर्डिनेटर हैं उनको आज अदालत में पेश किया गया में, और उनको जो तहराबाद सिपरा है उनकी अदालत में पेश किया गया, और उनकी जो रिमांड की सदा की गई थी 14 दिन के लिए, तहम अदालत जो उनका 7 दिन का रिमांड है वो मंजूर कर लिया है। और जो मौकफ अपनाया गया है वो ये बनाया गया कि उनके पास जो है मवाद बरामद करना है, और उनके पास जो धमाका से मवाद मौजूद था और कुछ और चीजें जो है वो बरामद करनी है, इसको जिस्मानी रिमांड जो मंजूर किया जाए, तो अदालत ने उनका जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। बहुत शुक्रिया असलम, आपने आगाह किया।